ये स्टूडेंट्स, हम सेंट्रल ऑर्बिट टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था हमने। नाइन्थ चैप्टर है ये, तो उससे आगे का जो टॉपिक है वो हम करेंगे इसमें कवर। तो देखो, इसमें एप्साइडल डिस्टेंस है हमारे पास। आगे जो कई बार ये डेफिनेशन आ जाती है, डिफाइन एप्स, डिफाइन एप्साइडल डिस्टेंस। देखो इसमें एप्स के हमारे पास एप्स की डेफिनेशन क्या दे रखी है इसमें। एन एप्स इज ए पॉइंट ऑन ए सेंट्रल ऑर्बिट एट विच द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर फॉल्स टू दिस पॉइंट है जी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो इसमें जैसे हमारे पास कोई रेडियस वेक्टर हमने ड्रॉ किया, जैसे हमारे पास इस तरह से कोई कर्व है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास, ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। जैसे हमारे पास कोई भी कर्व है, ठीक है, इस तरह से कोई भी कर्व इस तरह से मूव कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास इस तरह से कोई कर्व मूव कर रहा है इस तरह से, तो ये जो डिस्टेंस है ये मैक्सिमम है, यहाँ पे क्या है मिनिमम है। तो इस तरह से हमारे पास ये डेफिनेशन क्या है एप्स की। एप्स पॉइंट किसको बोलेंगे हम, एन एप्स इज ए पॉइंट ऑन ए सेंट्रल ऑर्बिट एट विच द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स, सेंटर ऑफ फोर्स से लेके उस पॉइंट तक का मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है। तो एप्साइडल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एप्स और सेंटर ऑफ फोर्स के बीच में जो डिस्टेंस है एप्साइडल डिस्टेंस हो जाएगा। हमने सेंट्रल ऑर्बिट का डिस्कस किया था टॉपिक, उसी के आगे का ये। तो आगे है एप्साइडल एंगल, द एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एप्साइडल डिस्टेंस। जो हमारे पास टू कंसेक्यूटिव जो एप्साइडल डिस्टेंस बनेंगे उनके बीच का जो एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे हम, एप्साइडल एंगल। और सेंटर ऑफ फोर्स से एप्स तक का डिस्टेंस एप्साइडल डिस्टेंस है। एप्स हमारे पास जो सेंटर ऑफ फोर्स से उस पॉइंट तक का जो मैक्सिमम या मिनिमम जहाँ पे डिस्टेंस बनेगा वो क्या पॉइंट कहलाएगा, एप्स कहलाएगा। अब देखो आगे इसमें नेक्स्ट जो थ्योरम है एप्स से बेस है। एट एन एप्स पार्टिकल मूव्स एट राइट एंगल टू द रेडियस फैक्टर, मतलब एट एन एप्स पे हमने क्या दिखाना है, द रेडियस फैक्टर इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है। हमने क्या दिखाना है इसमें, इस तरह से आ जाता है हमारे पास। देखो ये क्वेश्चन जो हमारे पास आया भी हुआ है कि एट प्रूव दैट एट एन एप्स द रेडियस फैक्टर इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स। देखो इसमें शायद जैसे हम ग्राफ बनाए, अगर इसमें इस तरह से हमारे पास जो रेडियस फैक्टर है, इस तरह से रेडियस फैक्टर ड्रॉन किया एट एन एप्स, सपोज किया कोई भी पॉइंट हमारे पास पी पॉइंट है ये, ठीक है। पी पॉइंट हमारे पास एप्स है, ये जो डिस्टेंस हमारे पास ये मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है, ठीक है। तो एट एन एप्स हमारे पास द रेडियस फैक्टर इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। जो हमारे पास ये रेडियस फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, हमने दिखाना है ये जो कहा होगा रेडियस फैक्टर परपेंडिकुलर होगा हमारे पास टू द टेंजेंट्स। इस टेंजेंट्स के क्या होगा परपेंडिकुलर, हमारे ये एंगल क्या दिखाना हमने 90 डिग्री, ठीक है। हमारे पास एट एन एप्स पे हमने जो हमारे पास देखो इसमें इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा हमारे पास, ये पी भी द लेंथ होता परपेंडिकुलर होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये एंगल क्या लेते हैं हम 90 डिग्री लेते हैं ना, वही हमारे पास यहाँ पे अगर सपोज किया हमारे पास ये एप्स पॉइंट है पी भी द कोई भी हमारे पास, तो जो रेडियस फैक्टर होगा इसके क्या होगा परपेंडिकुलर होगा हमारे पास। एट एन एप्स जो रेडियस फैक्टर इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमने दिखाना है, ये जो एंगल हम फाई लेते हैं, ये एंगल थीटा लेते हैं हम, ये फाई लेते हैं, ठीक है। ये हमने किया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस। तो ये जो एंगल फाई है ये हमने क्या दिखाना है इसमें, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी लेते हैं हम, तो इसमें रिलेशन क्या होता है ये आर है हमारे पास, तो पी अपॉन आर, पी बाय आर क्या हो जाएगा साइन फाई हो जाएगा, ये एंगल फाई है तो, ठीक है। मतलब हमारे पास इस तरह से ये परपेंडिकुलर लेंथ लेते हैं हम पैडल फॉर्म में, ये आर है हमारे पास, ये एंगल फाई है, तो पी बाय आर, ठीक है, पी बाई आर क्या हो जाएगा साइन फाई हो जाएगा, ठीक है। मतलब पी इक्वेशन क्या लेते हैं पैडल फॉर्म में, पी इजिकल टू आर साइन फाई हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है ना। तो देखो इसमें बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ एप्स, जो आर है वो या तो मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है, तो यू को हम 1/r के इक्वल पुट करते हैं। अगर लास्ट का टॉपिक नहीं ध्यान है तो एक बार पढ़ लेना, उसके बाद अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, समझ लेना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताना। अगर यू इज इक्वल टू, अगर 1/r हो जाए उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा यू, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आर की मैक्सिमम है तो यू की मिनिमम हो जाएगी, अगर मिनिमम है तो मैक्सिमम हो जाएगी।
और डी यू बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ आर हमारे पास, तो डी यू बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। और हम इक्वेशन क्या लेते हैं इसमें पैडल फॉर्म में, वन बाय पी, मतलब हमारे पास जो रिजल्ट निकाला था वो क्या था, पी वी इज इक्वल टू एच था ना, तो हमारे पास वी किसके इक्वल हो जाएगा, एच के बाय में पी स्केयर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास, और पी स्केयर मतलब इसमें वन बाय पी स्केयर को क्या लिखेंगे हम, पी वी इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, एच था। ठीक है, तो इसमें ये हमने इक्वेशन ड्राइव की भी हुई है हमारे पास, हमने ये रिजल्ट किया हुआ था ना इसमें, जैसे वन बाय पी स्केयर जो हमारे पास वन बाय पी स्केयर है वो किसके इक्वल होता है, वन बाय आर स्केयर प्लस वन बाय आर की पावर फोर डी आर बाई डी थीटा का स्केयर। ठीक है, तो इसमें हम आर को यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन बाय आर स्केयर यू स्केयर हो जाएगा। और इसी का जब हम इसमें इसका डेरिवेटिव लेंगे, डी यू बाई डी थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस वन बाय आर स्केयर डी आर बाई डी थीटा का स्केयर आएगा, उसका स्केयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी थीटा का स्केयर। ये हमने लास्ट में इक्वेशन निकाली हुई है फर्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास पी इज द, यहाँ पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द टेंजेंट है, तो इसमें वन बाय पी स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा, डी यू बाई डी थीटा का क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो वन बाय पी स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा, यू स्केयर, तो यू स्केयर को क्या लिखेंगे, वन बाय आर स्केयर। यहाँ से पी इजिकल टू आर आ गया, और तो हमने क्या इक्वेशन ली हुई है, पी इजिकल टू आर साइन फाई, तो पी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर के इक्वल आ जाएगा, आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये आर के इक्वल हो गया हमारे पास। ठीक है, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, साइन फाई क्या बचेगा, वन, तो फाई क्या आ जाएगा यहाँ से, 90 डिग्री। दस एट एन एप्स पार्टिकल मूव एट ए राइट एंगल टू द रेडियस वेक्टर, मतलब ये जो एंगल है हमारे पास एट एप्स पे जो रेडियस वेक्टर होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये हमने शो किया है। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास, इससे नेक्स्ट जो थ्योरम है हमारे पास, इफ द सेंट्रल एक्सेलरेशन एफ इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस, एवरी एप्स लाइन डिवाइड द ऑर्बिट इन टू इक्वल एंड सिमेट्रिकल पोजिशन, देयर कैन ओनली बी टू एप्साइडल डिस्टेंस। अगर हमारे पास जो सेंट्रल एक्सेलरेशन है एफ हमारे पास वो क्या है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है ऑफ द डिस्टेंस, तो हमारे पास इसमें एफ के यहाँ पे सिंगल वैल्यूड फंक्शन है हमारे पास ऑफ द डिस्टेंस। तो इसमें हमने ये दिखाने की जो एप्स होगा हमारे पास, एवरी एप्स है वो डिवाइड करता है सेंट्रल ऑर्बिट को हमारे पास इक्वल एंड सिमेट्रिकल पोजिशन में, और देयर ओनली टू एप्साइडल डिस्टेंस होंगे, ये हमने शो करना है। देखो जो इक्वेशन होती है हमारे पास सेंट्रल ऑर्बिट की पोलर फॉर्म में, वो लेते हैं हम डी स्केयर यू बाई डी थीटा स्केयर प्लस यू इजिकल टू एफ अपॉन में एच स्केयर इंटू यू स्केयर। एच स्केयर को इस साइड लेके हम टू डी यू बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेट करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टू डी यू बाई डी थीटा, डी यू बाई डी थीटा को टी पुट कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डी स्केयर यू बाई डी थीटा स्केयर इजिकल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो डी टी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसमें विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट थीटा करना है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे डी स्के यू बाई डी थीटा स्केयर, मतलब डी यू बाई डी टी डी थीटा को टी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डी स्केयर यू बाई डी थीटा स्केयर इजिकल टू डी टी बाय में डी थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमने डेरिवेटिव लिया ना। ठीक है, तो हमारे पास इंटीग्रेट करेंगे जब हम, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डी टी बाय डी थीटा आ जाएगी, और हमने इसको टी पुट किया डी यू बाई डी थीटा को, ये क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी थीटा हो जाएगा, डी स्के यू बाई डी थीटा स्के क्या हो जाएगा, टी इंटू डी टी बाई डी थीटा, तो इंटू में थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, डी थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा, टी इंटू डी टी, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो टी स्के बाय टू, मतलब टी क्या था, डी यू बाई डी थीटा, बाय में टू आएगा तो टू से टू क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसी तरह से यहाँ पे यू को भी टी पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यू स्के आ जाएगा, इजिकल टू टू टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ बाय में यू स्केयर, डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, डी थीटा के थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो प्लस में यानी कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दिया ताकि इंटीग्रेट कर सकें हम, ठीक है। देखो इसमें आगे हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास पी वी इजिकल टू एच था ना हमारे पास, ठीक है,
तो यहाँ से वी स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा, एच स्केयर बाई में पी स्केयर, वन बाई पी स्केयर किसके इक्वल होता है, डी यू बाई डी थीटा का स्केयर प्लस यू स्केयर। हमारे पास तो ये किसकी वैल्यू होती है, डी यू बाई डी थीटा का स्केयर प्लस में यू स्केयर, ठीक है, प्लस में यू स्केयर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, वी स्केयर के इक्वल हो जाएगा। तो वी स्केयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से इजिकल टू माइनस टाइम टू टाइम्स वन बाई यू, आर इजिकल टू वन बाई यू है, तो डी आर क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस वन बाई यू स्केयर डी यू। तो यहाँ से इसको हमने क्या पुट कर दिया, डी आर। तो यहाँ पे वी स्केयर इजिकल टू क्या आ जाएगा, माइनस टू टाइम एफ डी आर। बट यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल जो एक्सेलेशन एफ है, इज ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस आर हमारे पास, ठीक है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर है। देखो इसमें आगे, दस द वेलोसिटी वी ऑफ द पार्टिकल इज सेम एज द डिस्टेंस आर, मतलब हमारे पास आर के ऊपर डिपेंड करता है ना सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ हमारे पास एफ। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, थीटा से इंडिपेंडेंट है। तो हमारे पास जो पार्टिकल मूव कर सकता है, हमारे पास इंडिपेंडेंटली बोथ डायरेक्शन में मूव कर सकता है। नाउ कंसीडर द पाथ हैविंग थ्री कंसेक्यूटिव एप्स, सपोज किया हमारे पास, हमने ये प्रूव किया कि हमने भी ये प्रूव करना है कि इसके पास जो कर्व के पास टू एप्साइडल डिस्टेंस होंगे, ठीक है, टू एप्स होंगे हमारे पास, और ऑब्वियस है फिर टू एप्साइडल डिस्टेंस हो जाएंगे। हमारे पास थ्री कंसेक्यूटिव एप्स लिए हमने, ए बी सी, ये ए बी एप्स है, बी बी एप्स है, सी बी, मतलब ए पर बी पर सी पर डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम या मिनिमम है, और जो ये एप्स पर जो हमारे पास टेंजेंट के साथ एंगल क्या बनाते हैं, राइट एंगल, ठीक है, टेंजेंट के साथ एंगल क्या बनाते हैं, राइट एंगल, ये ध्यान रखना है हमारे पास। तो एट एन एप्स पे जो रेडियस वेक्टर है वो क्या बनाते हैं, सेंटर ऑफ जो हमारे पास सेंटर फोर्स से हम ड्रा करते हैं कोई भी एप्स पे रेडियस वेक्टर, तो वो क्या बनाते हैं, राइट एंगल बनाते हैं। ये भी हमने प्रूव किया है, इफ़ वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट बी, अगर वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट बी है, देन वी डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम ओ, तो नॉट ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन पे तो डिपेंड नहीं कर रहा हमारे पास। दस द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम बी विज रिवर्स्ड पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम बी विद इक्वल वेलोसिटी, मतलब पार्टिकल जो मूव कर रहा है विद इस तरह से, हमारे पास रिवर्स वेलोसिटी, वी से भी पार्टिकल मूव कर सकता है आपकी साइड में, ये दोनों उसकी पॉसिबिलिटी हैं। मस्ट डिस्क्राइब ए सिमिलर पाथ, एक सिमिलर पाथ ही डिस्कस करेगा, जैसे हमने ये देख रहे हैं इसमें सिमिलर पाथ ही बनाएगा हमारे पास, ठीक है, विद वेलोसिटी वी से। तो इसमें द वैल्यू ऑफ आर एंड थीटा एट एनी टाइम टी फॉर द फर्स्ट पार्टिकल ओ पी डैश और ओ पी, सपोज किया टी टाइम पे जो पार्टिकल हमारे पास पी पी डैश पॉइंट पे है, और इस साइड इस डायरेक्शन में अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो पी पॉइंट पे है। हमारे पास इसमें जो एंगल हमारे पास इसमें देखो आर इक्वल, मतलब इसमें बी ओ पी ये वाला एंगल और बी ओ पी और बी ओ पी डैश, ये दोनों ही एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि सेम टाइम पे सेम पाथ डिस्क्राइब होगा तो एंगल भी सेम आ जाएगा। दस द कर्व जो बी पी सी डैश हमारे पास और बी पी ए है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एग्जैक्टली सेम एज आइदर बाय बीइंग रोटेटेड अबाउट द लाइन ओ बी, ओ बी के हम अलोंग रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, विच वुड गिव द अदर, सिंस ए और सी के हमारे पास एप्स हैं, ए और सी अगर एप्स है, देयरफॉर द रेडियस वेक्टर आप परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स हो जाएगा, तो रेडियस वेक्टर जो होगा इनके क्या होगा, परपेंडिकुलर टू देयर टेंजेंट्स होगा। तो इस तरह से हमारे पास जो ये डिस्टेंस है वो क्या होता है हमारे पास, ठीक है, मैक्सिमम ही होता है हमारे पास एट एप्स पे, तो डिस्टेंस मैक्सिमम ही होता है ना, तो ओ ए और ओ सी दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास, इक्वल होंगे, ठीक है, एट एप्स पे या तो डिस्टेंस मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है। तो हमारे पास ओ ए और जो ओ सी है सेम टाइम पे जो पाथ डिस्क्राइब कर जाए हमारे पास, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये रेडियस वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स हो जाएगा ए और सी पे, इसलिए हमारे पास जो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली जैसे हमने सपोज किया कोई अनदर पॉइंट ले लें, हम डी ले लें यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरह से हमने सी यहाँ पे एप्स ले लिया, तो इस तरह से मूव करेंगे जो हमारे पास ओ डी और ओ बी, इन दोनों का डिस्टेंस भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। अब मेरे पास एप्स क्या रहा, ओ सी ही रहा ना इसमें, ओ सी और ओ बी, मतलब ये कंसेक्यूटिव जो एप्स होते हैं इनके बीच का जो एंगल होता है ये एप्साइडल एंगल होता है, एप्साइडल एंगल होता है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास मैक्सिमम टू ही बनेंगे, ये इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ओ सी किसके इक्वल आ गया, ओ ए के इक्वल आ गया, जो ओ बी हमारे पास वो ओ डी के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से ओ ई ले लें हम,
तो इसमें ओ सी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ ई के इक्वल हो जाएगा, ओ सी किसके इक्वल था, ओ ई इक्वल आता, ओ बी किसके इक्वल है, ओ डी के इक्वल है। इस तरह से ई एफ ले ले हम तो ओ डी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ एफ के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास ओवरऑल दो ही एप्स हैं ए और बी, मतलब टोटल। बाकी जैसे हम ए है तो ए ओ सी, ओ सी और ओ ए इक्वल हो गया, ओ बी है तो ओ डी के इक्वल हो जाएगा, ओ डी ओ बी के इक्वल है और ओ डी ओ एफ के इक्वल भी है। इस तरह से हमारे पास टू एप्साइडल डिस्टेंस ही आएंगे मैक्सिमम। ठीक है, आगे हम देखो इसमें यही लिखा हुआ है, सिमिलरली डी विल बी द नेक्स्ट एप्स अगर हमारे पास आफ्टर सी तो इट वुड बी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ डी एंड सो ऑन। दे आर टू डिफरेंट एप्साइडल डिस्टेंस होंगे हमारे पास। ठीक है, आगे हमारे पास इसमें अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि टू प्रूव एनालिटिकल when the central acceleration varies as some power of the distance there are at most two epsilon distance। हमने देखो उस क्वेश्चन में तो इसमें फ़र्क है हमारे पास, उसमें हमारे पास सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ आर था, उसमें वी की वेलोसिटी निकाल ली थी, एफ डी आर की फॉर्म में थी हमारे पास। इसमें एनालिटिकली प्रूव करना है कि हमारे पास कोई इक्वेशन हमने डराइव करनी है तो उससे ये बताना है कि इसके पास टू एटमोस्ट टू एप्साइडल डिस्टेंस होंगे। ठीक है, एनालिटिकल मतलब इसमें आ जाए टू प्रूव एनालिटिकली तो दैट व्हेन द सेंट्रल एक्सेलरेशन वेरीज एज सम इंटीग्रल पावर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे जो सेंट्रल एक्सेलरेशन हमारे पास एफ जो है हमारे पास वो किसके वेरीज कर रही है, सम इंटीग्रल पावर ऑफ द डिस्टेंस कर रही है। हमने एटमोस्ट टू एप्साइडल डिस्टेंस दिखानी है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है तो इम्पोर्टेंट है आर्टिकल। देखो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास एफ क्या, हमारे पास सम इंटीग्रल पावर ऑफ द डिस्टेंस आर है तो लैम्डा इंटू आर की पावर एन ले लिया हमने, कोई एन फाइनाइट ले लिया। आर को अगर वन बाई यू के इक्वल पुट करेंगे तो एफ क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई में यू की पावर एन हो जाएगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द पाथ क्या होती है हमारे पास, एच स्केयर इज इक्वल टू यू टाइम्स डी स्केयर यू बाई डी थीटा स्केयर इज इक्वल टू एफ अपॉन में यू स्केयर। एफ की वैल्यू हमने पुट कर दी, लैम्डा बाई में यू की पावर एन इंटू में यू स्केयर है तो लैम्डा टाइम्स यू की पावर क्या हो जाएगा, माइनस टाइम एन प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आगे फिर हम इसको इस तरह की जो भी इक्वेशन होती है उसको हम सोल्व कैसे करते हैं, ये इक्वेशन आ जाए तो टू डी यू बाई डी थीटा से हम मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे पहले। ठीक है, तो टू डी यू बाई डी थीटा से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू डी यू बाई डी थीटा इंटू में एच स्केयर टाइम यू प्लस डी स्केयर यू बाई डी थीटा स्केयर इज इक्वल टू टू डी यू बाई डी थीटा लैम्डा टाइम्स यू की पावर माइनस टाइम एन प्लस टू। ठीक है, हमने ये मल्टीप्लाई कर दी अंदर ले गए। ठीक है, ब्रैकेट में अब वही है, इसमें यू को टी पुट करेंगे तो डी बाई डी थीटा हमारे पास डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही है। ठीक है, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही है। अगर ये बच्चों को समझ में ना आ रहा हो ये कैसे हो गया जी, तो यू को देखो इसमें टी पुट किया हमने। ठीक है, तो डी यू बाई में डी थीटा करेंगे और इस साइड क्या हो जाएगा, डी टी बाई में डी थीटा हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास तो डी यू बाई डी थीटा तो क्या हो गया, डी टी हो गया और यू हमारे पास। ठीक है, यू को हमने टी पुट किया है, यू को क्या पुट किया, टी टी इंटू में डी टी बाई में डी थीटा इंटू में थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, डी थीटा आएगा तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्केयर बाई टू हो जाएगा। ठीक है, टी यू था तो इसलिए यू से टू कैंसिल हो जाएगा तो यू स्केयर बचेगा। इसी तरह से ये भी ऐसे ही है हमारे पास। ठीक है, इसमें डी यू बाई डी थीटा को टी पुट कर देंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी यू बाई डी थीटा का स्केयर आ जाएगा। इसी तरह से हम इसमें भी इंटीग्रेट कर देंगे हम तो यू की पावर क्या हो जाएगा, एक ऐड करेंगे तो माइनस टू है तो प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, माइनस टाइम एन प्लस वन अपॉन में माइनस टाइम एन प्लस वन प्लस सी वन। तो अब एट एन एप्स पे अगर हमारे पास डी यू बाई डी थीटा क्या होता है, इक्वल टू जीरो होता है तो डी यू बाई डी थीटा को क्या पुट कर देंगे, जीरो। तो यहाँ से एच स्केयर कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यू स्केयर से हम डिवाइड कर देंगे, यू किसके इक्वल है, वन बाय आर के इक्वल, तो वन बाय आर के इक्वल पुट कर दिया हमने। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो इस तरह से हमारे पास जो ये इक्वेशन है ये डराइव होकर इस फॉर्म में आ जाएगी, आर की पावर एन प्लस थ्री माइनस टाइम्स सी वन इंटू एन प्लस वन बाय टू लैम्डा इंटू आर स्केयर प्लस में एन प्लस वन बाय में टू लैम्डा इंटू में एच स्केयर इक्वल टू जीरो। दिस इक्वेशन हैज एट मोस्ट टू चेंज ऑफ साइन इन द कोएफिशिएंट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ सी वन एंड एन। देखो इसमें क्या है, सी वन एन तो कॉन्स्टेंट ही है हमारे पास और इसमें क्या है कि टू पॉजिटिव साइन, एक नेगेटिव है ये प्लस है, कितने साइन चेंज हुए, एक टू ही हुए ना। तो हमारे पास ये इक्वेशन हमारे पास डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन क्या होता है, अगर टू जो एफ ओ फैक्स में अगर टू हमारे पास एटमोस्ट टू पॉजिटिव रूट्स कितने होंगे जिसमें
उसके जितने भी हमारे पास अल्टरनेट साइन हो रहे हैं चेंज हो गया। जैसे ये इक्वेशन है सपोज किया एक्स के प्लस एक्स प्लस वन, इसमें कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। जैसे प्लस है तो प्लस ही है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है, तो इसका कोई भी पॉजिटिव रूट नहीं आएगा, या तो नेगेटिव आएंगे या इमेजिनरी रूट्स आएंगे, ठीक है। तो इसमें देखो एटमोस्ट टू चेंज ऑफ साइन हो रहे हैं, ठीक है, एक नेगेटिव है तो एक प्लस है, एक तो यहाँ पे हुआ, यहाँ पे प्लस था ना, यहाँ पे प्लस था, एक तो यहाँ पे चेंज हो गया, एक यहाँ पे चेंज हो गया, दो चेंज हुए। तो इसमें टू जो हमारे पास इसके रूट्स होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और हमारे पास एप्साइडल डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होता नहीं, ठीक है, तो हमारे पास इसके क्या होंगे, टू एप्साइडल डिस्टेंस आएंगे बाय डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन से, ठीक है। आगे वेलोसिटी फ्रॉम द इन्फिनिटी, ये टॉपिक हमारे पास, देखो व्हेन द पार्टिकल मूव्स अंडर ए सेंट्रल फोर्स द वेलोसिटी दैट इट वुड एक्वायर इट इज मूव फ्रॉम द रेस्ट एट इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब सपोज किया हमारे पास एप्स पे, अगर सपोज किया ये डिस्टेंस ए है, ठीक है, डिस्टेंस ए है हमारे पास, तो वेलोसिटी फ्रॉम द रेस्ट एट इन्फिनिटी, रेस्ट पे हमारे पास क्या है, हमारे पास वेलोसिटी एट इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड वेलोसिटी फ्रॉम द इन्फिनिटी। रेस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो क्या, इन्फिनिटी है हमारे पास। तो इसमें लेट द पार्टिकल मूविंग अंडर ए सेंट्रल फोर्स एफ, हमारे पास ये इक्वेशन लेते हैं पैडल फॉर्म में, एच के बाई पी क्यू इंटू डी पी बाई डी आर इजिकल टू एफ, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एच के बाई पी स्केयर, हमारे पास वी स्केयर होता है, इनर्जी इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट है। तो इसमें जो लिमिट लेनी है हमने, मेन ये है इन्फिनिटी टू, अगर जो भी एप्साइडल डिस्टेंस दे रखा है हमारे पास, सपोज के एप्साइडल एट एन एप्स पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, तो वेलोसिटी ऑफ द फ्रॉम द इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट क्या हो जाएगा, वन बाई वी स्केयर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स इन्फिनिटी टू ए एफ डी आर। तो हमारे पास ये जनरल इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे। तो नेक्स्ट इसी तरह से ये टॉपिक कवर होता है, आगे एग्जाम्पल आ जाता है हमारे पास। फर्स्ट है, फर्स्ट एग्जाम्पल देख लो इसमें, इफ़ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स टू ए डिस्टेंस ए, टू ए डिस्टेंस ए विद वेलोसिटी क्या हमारे पास, फ्रॉम इन्फिनिटी है, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स जो हमारे पास एम इंटू में आर की पावर माइनस सेवन, ठीक है, प्रूव दैट ऑर्बिट इज, ये हमारे पास प्रूव करना है। या तो ये म्यू दे रखा होगा इसमें, क्वेश्चन में म्यू ले रखा है, या एम कॉन्स्टेंट जो भी ले सकते हो इसमें, जो तुम्हें क्वेश्चन पेपर में दिया हो एम है तो एम ही लेना, हमने इसमें म्यू ले लिया तो कोई बात नहीं, जो तुमने ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन पेपर में दे रखो जो कॉन्स्टेंट वही लेना हमने। तो देखो वी स्के का फॉर्मूला भी किया था हमने, वी स्के इज इक्वल टू माइनस टू टाइम्स अब वेलोसिटी फ्रॉम द इन्फिनिटी टू डिस्टेंस ए है, एप्सिलॉन डिस्टेंस जो डिस्टेंस हमारे पास दे रखा है टेन एप्स पे, आर की वैल्यू क्या दे रखी है ए, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, एफ की वैल्यू पुट कर दी, जिसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू बाय में थ्री ए की पावर सिक्स। ये सोल्व कर लोगे ना शायद, प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना या फिर मैसेज कर देना मेरे पास, ठीक है, कि यहाँ से समझ में नहीं आया जी कि अगर वी विद द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन एट एन एप्स हमारे पास, तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, स्केयर रूट ऑफ म्यू अपॉन में थ्री ए की पावर सिक्स, वी स्केयर था तो स्केयर रूट हो जाएगा। हमारे पास रिजल्ट क्या होता है, पी वी इजिकल टू एच, एच कॉन्स्टेंट हमारे पास, एट एन एप्स पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और जो वी वेलोसिटी ली कैपिटल वी ले ली हमने, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए कैपिटल वी इजिकल टू एच हो जाएगा, तो एच स्केयर क्या हो जाएगा, ए स्केयर वी स्केयर के इक्वल हो जाएगा, वी स्केयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू अपॉन में थ्री ए की पावर सिक्स हो जाएगी। और हम जनरल इक्वेशन क्या लेते हैं, वी स्केयर इजिकल टू एच स्केयर बाई पी स्केयर, मतलब एच स्केयर टाइम्स डी यू बाई डी थीटा का स्केयर प्लस यू स्केयर इजिकल टू वेयर जो यू होता है हमारे पास वन बाई आर के इक्वल है। अब इसमें एच स्केयर की वैल्यू हम पुट कर देंगे, एच स्केयर की वैल्यू क्या आई हमारे पास, म्यू अपॉन में थ्री ए की पावर फोर है, ये पुट कर दी मैंने डी बाई डी थीटा का, यही जनरल इक्वेशन आ गई मेरे पास, ठीक है। अभी विद अगर वेलोसिटी ऑफ द जो एट एन एप्स पे हमारे पास वो क्या होगी, देखो इसमें वी स्केयर किसके इक्वल होता है मेरे पास, माइनस टू टाइम्स एफ डी आर प्लस में यानी कॉन्स्टेंट सी, ठीक है, तो इसमें एफ की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ की वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें म्यू टाइम्स आर की पावर माइनस सेवन डी आर प्लस सी, तो इसमें वी स्केयर इजिकल टू आ जाएगा म्यू अपॉन में थ्री आर की पावर सिक्स, इंटीग्रेट करके सॉल्व करके, ठीक है। आर को जब हम ए पुट करेंगे एट एन एप्स पे, तो v जो है कैपिटल v ले लिया हमने, एप्स पे जो वेलोसिटी लिया कैपिटल v लिया है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू अपॉन में थ्री ए की पावर सिक्स का स्केयर रूट। और इसमें फ्रॉम, ठीक है, इसमें हमारे पास
फिफ्थ से हमारे पास सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से वी कोई यहाँ पुट करेंगे एट एन एप्स पे, वी की वैल्यू मैं ये पुट कर दूँ, आर को जब ए पुट करेंगे तो दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो सी क्या हो जाएगा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसमें वी स्केयर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 1/3 म्यू यू की पावर 6। अब जो इक्वेशन थी ना हमारे पास लास्ट में, ये जो इक्वेशन थी हमारे पास, इसमें वी की वैल्यू पुट कर देंगे, वी स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो वी स्केयर की वैल्यू पुट कर दी हमने यू के फॉर्म में, तो हमारे पास 1/3 म्यू टाइम्स यू की पावर 6 हो जाएगा। तो डी बाई डी थीटा का स्केयर प्लस यू स्केयर ए की पावर 4 यू की पावर 6 हो जाएगा। तो इसमें हमने यू स्केयर इस साइड लेके यू स्केयर कॉमन ले लिया, ठीक है, स्केयर रूट कर दिया, आगे इंटीग्रेट करेंगे हम, तो इसमें यू को 1/r पुट किया, डी यू बाई डी डी थीटा क्या हो जाएगा -1/r स्केयर डी आर बाई डी थीटा। तो इस तरह से हमारे पास डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो ये आर स्केयर को टी पुट करेंगे इसमें, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ठीक है, इस तरह से हमारे पास माइनस टाइम डी टी अपॉन में ए स्केयर का होल स्केयर माइनस टी स्केयर हो जाएगा इजिकल टू 2 थीटा प्लस एनी कॉन्स्टेंट सी है। इस तरह से हमारे पास ये रिजल्ट, ये कोज इनवर्स माइनस है तो कोज इनवर्स हो जाएगा, टी बाई ए स्केयर आ जाएगा। तो इनिशियल कंडीशन पुट करके हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से जनरल इक्वेशन आ जाएगी, एक रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट होगी। फिर भी आपको लगे कि यहाँ से टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो बता देना, दोबारा से रिपीट कर देंगे, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इस तरह से। तो कोऑपरेट करें, सभी तक शेयर करें ये वीडियो, जो भी फाइनल ईयर सेक्शन ए और बी और सी के स्टूडेंट्स हैं।